दिव्या खोसला ने सोनू निगम पर पलटवार किया था और काफी ज्यादा एक वीडियो बनाया था जिस पर उन्होंने सोनू निगम को जवाब दिए थे। वेल, इस पर रिएक्शन आया है सोनू निगम का। उनका क्या रिएक्शन है बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तब से नेपोटिज्म को लेके हर कोई बात कर रहा है, फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री हो। ऐसे में हाल ही में चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक, उन्होंने टीवी माफिया के बारे में बात की थी। बॉलीवुड में कंगना रनावत, शेखर सुमन, कई लोग जो है वो नेपोटिज्म को लेके बात कर रहे हैं। ऐसे में सोनू निगम ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने टी सीरीज को लेके काफी बड़ी बड़ी बातें कही थी और उनपे इल्जाम लगाए थे। वेल, जैसे ही ये वीडियो शेयर हुआ, वायरल हुआ, उसके बाद ही भूषण कुमार की वाइफ यानी कि टी सीरीज के मालिक की वाइफ दिव्या खोसला, उन्होंने भी एक 11 मिनट का वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पे शेयर किया था और सोनू निगम को जवाब देते हुए उन्होंने काफी गुस्से में एक वीडियो शेयर किया था। अब इस पर सब लोग वेट कर रहे थे कि सोनू निगम इस पर क्या बात करेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इस चीज के रिएक्शन का लोग इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम ने उनका क्या रिएक्शन दिया है, वो काफी एपिक रिएक्शन है जिस पर लोग जो है काफी तेजी से इस चीज को वायरल करें। सोनू निगम ने अपनी खुद की इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिव्या खोसला की वीडियो को शेयर किया, साथ ही उसमें कैप्शन दिया प्रेजेंटिंग दिव्या खोसला, और आई थिंक ये अपना कमेंट सेक्शन जो है वो अनलॉक करना भूल गई है, चलिए उनकी मदद करते हैं। वेल, उनकी मदद उन्होंने कुछ इस तरीके से की, और जब आप उनके कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो उस कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सोनू निगम के साथ में स्टैंड करते हैं। साथ ही दिव्या खोसला के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने पैसों के लिए भूषण कुमार से शादी की है, साथ ही उनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट वगैरह जो है इस तरीके के कमेंट्स जो है वो सोनू निगम के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? टी सीरीज को लेके जिस तरीके की बातें चल रही है, इन बातों को लेके आपकी क्या राय है? वेल, जो भी है राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।